हेलो बच्चों, आज हम अध्याय स्थल रूपों के विकास के भाग चार पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पवन के कार्य पर, हिम नदी के कार्य पे और समुद्री तरंग के कार्य पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं पवन के कार्य से। बच्चों, जिस प्रकार नदी अपरदन का एक मुख्य कारक था, उसी प्रकार पवन भी जो है अपरदन का एक मुख्य कारक है। बच्चों, पवन की गति मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में प्रभावशाली होती है और इसी के द्वारा कुछ यहाँ पे स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जैसे कि मशरूम चट्टान या छत्रक शैल, लाओस, बलुआ टिप्पा और ओएसिस। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने चर्चा को पवन के कार्य पे जारी रखते हैं। बच्चों, पवन के कार्य में सबसे पहला जो कार्य है वो है मशरूम चट्टान या छत्रक शैल की निर्माण। बच्चों, ये मशरूम चट्टान या छत्रक शैल का जो निर्माण होता है वो पवन के तेज गति के कारण चट्टानों के कटने छटने के कारण होता है। इसमें क्या होता है कि पवन के तेज गति के कारण चट्टान का जो निचला भाग है वो कट जाता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, जबकि ऊपर का जो भाग है वैसे का वैसे ही रह जाता है, जिसके कारण एक छतरी जैसी आकृति का निर्माण होता है और इसे ही मशरूम चट्टान या छत्रक शैल कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए अपनी चर्चा पवन के कार्य पे जारी रखते हुए अब हम चर्चा करेंगे लाओस पे। बच्चों, अपने साथ उड़ाए गए बालू के कण, अर्थात पवन जो अपने साथ बालू के कण उड़ा के और बालू के कण के अलावा सिल्ट तथा अन्य पदार्थों को उड़ा कर ये जो है एक विस्तृत क्षेत्र में जमा कर देते हैं, जिससे एक समतल आकृति का निर्माण होता है और इसे ही हम लाओस कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है आपका चीन का लाओस है। बच्चों, लाओस किस प्रकार की होती है वो आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा पवन के कार्य को जारी रखते हुए अब हम पवन का तीसरा कार्य अर्थात बलुआ टिप्पा का निर्माण देखते हैं। ये जो बलुआ टिप्पा है ये पवन के द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों में आता है। बच्चों, जिसमें क्या होता है कि पवन अपने साथ जो बालू लाती है उसे या तो किसी पेड़ पे या चट्टान के पीछे जमा करते जाती है और इसी प्रकार जो है बलुआ टिप्पा का निर्माण होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा पवन के कार्य को जारी रखते हैं और अब हम चर्चा करेंगे ओएसिस पे। बच्चों, रेगिस्तानी क्षेत्र में या किसी एक जगह से जब बहुत सारा बालू जो है पवन द्वारा उड़ा के ले जाया जाता है तो वहां पे एक प्याले की आकार की तरह गड्ढा बन जाता है तथा उसमें भूमिगत जल भर जाता है। ऐसे ही आकृति को हम ओएसिस कहते हैं। आप इस चित्र के माध्यम से ओएसिस को अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे हिम नदी के कार्य पे। तो बच्चों, जब ऊंचे पहाड़ों पे बहुत सारी मात्रा में बर्फ जमी रहती है और जब बर्फ के बड़े बड़े पिंड गुरुतत्व अर्थात ग्रेविटी के कारण नीचे की ओर खींचती है तो इन्हें ही हिम नदी की संज्ञा दी जाती है या इन्हें ही हिम नदी कहा जाता है। बच्चों,
हिम नदी द्वारा निर्मित कुछ स्थलाकृति निम्नलिखित हैं। पहला यू आकार की घाटी, दूसरा सर्क एवं टार्न और तीसरा हिमोड़। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा हिम नदी के कार्य को जारी रखते हैं और हम शुरुआत करेंगे यू आकार की घाटी से। बच्चों, खिसकती हुई हिम नदी घाटी के दीवारों के साथ साथ तली को भी काटकर चौड़ा करती है और इस प्रकार से बनी घाटी का आकार जो है अंग्रेजी के यू अक्षर के समान होता है। तो इसे ही जो है यू आकार की घाटी कहते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हिम नदी के कार्यों पे अपनी चर्चा को जारी रखते हुए अब हम सर्क एवं टार्न पे चर्चा करते हैं। बच्चों, जब हिम नदी बहती हुई पहाड़ों के दीवारों से टकराती है तो ये एक खोखली आकृति का निर्माण करती है। इन्हें हम सर्क कहते हैं। और बच्चों, जब इन आकृतियों में अर्थात जब इस सर्क में जल भर जाता है तो इसे हम हिम झील या टॉर्न कहते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा हिम नदी के कार्यों पे जारी रखते हैं। बच्चों, अब हम बात करेंगे हिमोड़ पे। तो बच्चों, हिम नदी जब नीचे की ओर बहती है तो तापमान बढ़ने के कारण पिघलती जाती है। इस प्रकार अपने साथ लाए गए मिट्टी, बालू, चट्टानों के टुकड़ों में ये ढोने में असमर्थ हो जाती है, जिसके कारण यह इन सभी चीजों को अपने किनारों पे जमा कर देती है। इसे ही हम हिमोड़ कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे समुद्री तरंग के कार्यों पे। बच्चों, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि समुद्री तट की जो स्थलाकृतियों का आकार है वो समुद्री तरंगे देती हैं। बच्चों, समुद्र की तरंगों के अपरदन एवं निक्षेपण के द्वारा बनाई गई कुछ आकृतियां जैसे कि समुद्री श्रृंग, समुद्री गुफा आदि पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पहली आकृति समुद्री श्रृंग से। बच्चों, समुद्री तरंगे जब तटीय चट्टानों पर टकराती हैं तो चट्टानों के आधार को काटकर खोखला कर देती हैं। इस प्रकार खड़ी ढाल वाली चट्टाने बच जाती हैं, जिसे हम समुद्री श्रृंग कहते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अपनी चर्चा को जारी रखते हुए अब हम समुद्री तरंग द्वारा बनाई गई दूसरी आकृति अर्थात समुद्री गुफा पे चर्चा करते हैं। बच्चों, समुद्री तरंगे लगातार जो है काट छाट का कार्य करके श्रृंगों को तोड़ते रहती है। इस प्रकार उनमें छोटी छोटी दरारें पड़ जाती हैं, जो समय के साथ चौड़ी होकर समुद्री गुफा का निर्माण करती हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। बच्चों, जब दोनों तरफ से बनती हुई समुद्री गुफाएं विस्तृत होकर एक दूसरे से मिल जाती हैं तथा उनके आर पार जल भरने लगता है तो इस प्रकार की आकृति को प्राकृतिक मेहराब कहते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में जो कि तटीय मेहराब के नाम से अंकित किया गया है देख सकते हैं। और बच्चों, जब ये तटीय मेहराब या प्राकृतिक मेहराब अपरदन के कारण टूटकर नीचे गिर जाते हैं और इनके शीर्ष स्थल का सागर वाला भाग तट से अलग हो जाता है तो यह स्टेक या सागरीय स्तंभ कहलाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा
समुद्री तरंग के कार्य को जारी रखते हैं। अब हम चर्चा करेंगे लैगून पे। बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि समुद्री अवसाद एक लंबे संकरे अवरोध के रूप में तट के किनारे जमा हो जाते हैं और इनके पीछे जमा पानी मुख्य समुद्र से अलग हो जाता है, तो इसे ही हम लैगून कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध लैगून है। तो बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे समुद्री तट पे। तो बच्चों, समुद्री तरंगों द्वारा बालू, कंकड़, सिल्ट आदि पदार्थ समुद्र के किनारे पे जब जमा कर दिया जाता है, तो इस प्रकार समुद्री तट का निर्माण होता है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण चेन्नई का मरीना बीच है। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने चर्चा की पवन के कार्य पे, हिम नदी के कार्य पे और समुद्री तरंग के कार्य पे, और इन सब का रेफरेंस है भूगोल कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक। बच्चों, अगले वीडियो में हम प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।